हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीएस के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2020 के क्वेश्चन पेपर्स में आपके पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, जिसमें पूछा गया कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। यानी आपसे सन पूछा जा रहा है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान जब चालू किया गया था तो कब चालू किया गया था। ऑप्शन आपके पास 1998 से 1999 के बीच में, 1999 से 2000 के बीच में, 2000 से 2001 के बीच में, या 2001 से 2002 के बीच में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कमेंट करके, और एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था, 2000 से 2001 के बीच में चालू किया गया था। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कमांड कंट्रोल वी का प्रयोग क्या है। यानी जब हम कंप्यूटर में कंट्रोल वी यूज करते हैं तो उसका क्या यूज है। ऑप्शन आपके पास पोस्ट करना, पेस्ट करना, हटाना या अलग करना। तो हम जानते हैं कि कंट्रोल सी से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कंट्रोल वी का काम होता है पेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। यानी राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है तो कौन दिलाता है, ये काम कौन करता है। ऑप्शन आपके पास भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो आपके दिए गए हैं, मौलिक अधिकार बताए गए हैं, वो किस में प्रतिस्थापित हैं। यानी किस अनुच्छेद में, किस भाग में बताए गए हैं। ऑप्शन आपके पास भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में, या भाग 4 का अनुच्छेद 51 में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित किए गए हैं वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में प्रतिस्थापित है, यानी दिए गए हैं, मेंशन है। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। यानी भारत को जो पहला सुपर कंप्यूटर बना उसका क्या नाम था। परम 1000, परम ईशान, परम 8000 या परम शिवाय। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइनक्स क्या है। ये लाइनक्स किससे रिलेटेड है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। वही आपसे पूछा जा रहा है कि ये है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंट्री सिस्टम है, इनपुट सिस्टम है या आउटपुट सिस्टम है। तो हम सभी जानते हैं कि लाइनक्स क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है। जनरल दलवीर सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल वी के सिंह या जनरल विपिन रावत। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के जो वर्तमान सेना प्रमुख जनरल है उनका क्या नाम है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अभी फिलहाल चेंज भी हो गए होंगे क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन पेपर था, तो उस क्वेश्चन पेपर के बिहार पे ये वाला ऑप्शन सही था, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया, स्टार्ट नहीं समाप्त किसने किया था। जो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लगाई गई थी उसको किसने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, लॉर्ड क्लाइव ने या लॉर्ड डलहौजी ने। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी उसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो करंट में जो चल रहा होता है उससे पूछा जाता है। तो यहाँ 2020 की बात की गई है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2020 का जो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड था उसमें म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था किसे, प्रीतम चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इग्नू की डिजिटल कोर्स का क्या नाम है, यानी इग्नू के जो डिजिटल कोर्स है उसका नाम क्या है, ई अर्जुन, ई ज्ञान, ई आर्यन या ई रामन। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इग्नू का जो डिजिटल कोर्स है उसका क्या नाम है, ई ज्ञान। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यानी चार नाम दिए गए हैं जिनमें से तीन नाम ऐसे हैं जो महिला क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, वही आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज या दीपिका कुमारी। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो दीपिका कुमारी है वो महिला क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, बाकी के तीनों महिला क्रिकेट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाव पे राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है, यानी डोगरी लैंग्वेज जो बोली जाती है वो भारत के किस राज्य में बोली जाती है, किस राज्य से रिलेटेड है, सिक्किम से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या उत्तराखंड से। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो डोगरी भाषा है वो भारत के किस राज्य से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन पूछा गया है कि अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। ऑप्शन आपके पास पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका, और लास्ट ऑप्शन आपके पास संपूर्ण अफ्रीका। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अफ्रीकी भाषा का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में किया जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था, यहाँ आपसे सन पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम पारित किया गया था वो कब किया गया था, वर्ष 1995, वर्ष 2000 या वर्ष 2005, वर्ष 2007। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ये अधिनियम था ये वर्ष 2005 में पारित किया गया था, और यहाँ ऑप्शन ब्रैकेट में भी आपका दिया हुआ है 2005-06 में ये पारित हुआ था। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है। ऑप्शन आपके पास राजेंद्र सिंह, मिथिलेश घोक कुमार, ऋषिकेश सेनापति या रविंद्र अहलूवालिया। आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी एनसीईआरटी के जो वर्तमान निदेशक हैं वो कौन है, ऋषिकेश सेनापति हैं। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एजुशेड है वो कब लॉन्च किया गया था, फरवरी 1998 में, अप्रैल 2001 में, सितंबर 2003 में या सितंबर 2004 में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि जो एडुशेट है वो कब लॉन्च हुआ था, सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग, यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन आपके पास यकृत, अग्नाशय, तिली या पित्ताशय। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में अग्नाशय है वो इंसुलिन पैदा करता है, यानी इंसुलिन जनरेट करता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान जो हमारा बना है उसके द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन आपके पास 18, 22, 24 या 28। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, यानी जो पहली बार महिला ओलंपिक का जो पदक जीता था भारतीय महिला ने उसका नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी, एस शानू, गीता फोगाट या एस सी मैरी कॉम। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता थी। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो देवधर ट्रॉफी है
हर खेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रॉफी होती है। तो यहाँ मेंशन किया गया है कि देवधर जो ट्रॉफी है वो किस खेल से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या हॉकी से। तो राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका देवधर ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ब्लड यानी कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। ऑप्शन आपके पास बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। तो राइट ऑप्शन बताइए। तो हमें पता है, सभी हम सभी जानते हैं कि जो ओ पॉजिटिव होता है वो सभी को रक्त जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी यूनिट है, दूरी की है, समय की है, तीव्रता की है या चाल की है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो किसकी है, दूरी की इकाई है। दूरी को हम प्रकाश वर्ष से माप सकते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका राइटर का नाम पूछा गया है। किताब का नाम है अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। आपसे पूछा जा रहा है कि अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एशियन ड्रामा, यहाँ भी राइटर का नाम पूछा जा रहा है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। गुन्नार मिल्डार, जोनाथन ग्रेसन, मार्क थ्रेंड या जॉन ग्रीशम। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, गुन्नार मिल्डार। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एगमार्क जो है वो इसका मतलब क्या है, ये किसका चिन्ह है, पर्यावरण संरक्षण चिन्ह है, मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह है, खाद्य एवं बीजों का प्रमाणन चिन्ह है या खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो एगमार्क है उसका मतलब होता है खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह, यानी कोई भी जो ईटिंग आइटम्स होते हैं वो सही है खाने के लिए या नहीं सही है उसके लिए एगमार्क लगाया जाता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, गुजरात की या केरल की। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत का राज्य है गुजरात, गुजरात की तटीय रेखा सबसे ज्यादा लंबी है इन सभी राज्यों में से। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पांडिचेरी एक कॉलोनी थी, यानी कैसी कॉलोनी थी, पांडिचेरी जो थी वो किस कैसी कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रांसीसी कॉलोनी थी, डच कॉलोनी थी या पुर्तगाली कॉलोनी थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आपकी पांडिचेरी थी वो क्या थी, एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। तो इस क्वेश्चन के बिहा पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, यानी जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, चरमपंथी और नरमपंथी के बीच में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि कब हुआ था, किस सन में हुआ था, 1901 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1907 में हुआ था या 1916 में हुआ था। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, फिर कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो वही पूछ रहा है कि किस सन में ये काम हुआ था। ऑप्शन आपके पास 1912 में, 1914 में, 1913 में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है। तो यहाँ जो ए ऑप्शन यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो भारत की राजधानी
कलकत्ता से नई दिल्ली ट्रांसफर की गई थी वो कब की गई थी, 1912 ईस्वी में की गई थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके किस न्यायाधीश को ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास ए के अय्यर, ज्ञान सुधा मिश्रा, कुलदीप सिंह या एस बालाकृष्णन। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश थे कुलदीप सिंह, उन्हें ग्रीन जज भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, बनाया गया ये नहीं कब अपनाया गया था। ऑप्शन आपके पास 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1949। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपसे राइटर का नाम पूछ रहा है, कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ जो एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजदीप सरदेसाई या वेंकैया नायडू। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी, यानी भारत की सबसे पहले जो महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास कंचन चौधरी, सौमित्रा चटर्जी, अमृता शर्मा या शालिनी गंगवार। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारत की जो सबसे पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी वो थी आपकी कंचन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है, यानी भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास 6, 7, 8 या 9। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारत 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, डेनिस डाल्टन ने, हेनरी ड्यूरेंट ने, जेम्स केलमैन ने या जेम्स मिचनर ने। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो रेड क्रॉस की स्थापना की थी किसने की थी, हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, कार्बन उत्सर्जन से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे है, ओजोन परत संरक्षण से है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीस्मोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, यानी सीस्मोलॉजी जो एक ब्रांच है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का, ज्वालामुखी विस्फोट का, भूकंप का या हृदय की धड़कन का। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सीस्मोलॉजी है उसके अंदर हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन या सुषमा स्वराज। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, मीरा कुमार है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टोबा टेक्स के लेखक कौन है, यानी एक रचना है इसके रचयिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास गुलाम बख्श, समातन दत्त, हसन मिंटो, अर्नाल्ड जैकब या मुस्तफा खान। तो आपको यहाँ राइट ऑप्शन बताना है जिसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोबा टेक्स के लेखक कौन है, समादत हसन मिंटो। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था, यानी गुमास्ता जो नियुक्त किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वो रियल में था क्या, सैनिक अधिकारी थे, सेनापति थे,
प्रतिनिधि थे जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो गुमास्ता की उपाधि दी गई थी वो ऐसे लोगों को दी गई थी, ऐसे प्रतिनिधि को दी गई थी जो माल खरीदते थे और बेचते थे, और सॉरी खरीदते बेचते नहीं थे लेकिन जो माल खरीदा या बेचा जाता था उसका लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, और ये किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ किस तिथि को थी, यानी पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी? 20 मई 2014 में, 22 मई 2014 में, 26 मई 2014 में या 26 मई 2015 में? तो यहाँ राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो डेट क्या थी? 26 मई 2014। ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था, यानी 1918 में जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो वो किसके समर्थन में था? किसानों के समर्थन में था, मजदूरों के समर्थन में था, जमींदारों के समर्थन में था या पूंजीपतियों के समर्थन में था? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा जब 1918 में सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था तो वो किसानों के समर्थन के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ए ऑप्शन सही है। और कौन से किसान? नील किसान। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बजट 2019 या 20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष है। तो ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा कि 19-20 के अंतर्गत भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का जो लक्ष्य वर्ष है वो है वर्ष 2025। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, आमाशय या इनमें से कोई भी नहीं? तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये आपका बायो से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या है, यानी फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम चेंज कर दिया गया है, तो अब उसका न्यू नाम क्या है, न्यू नेम क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास अरुण जेटली स्टेडियम, सुषमा स्वराज स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम या मुकुंद राव पाटिल स्टेडियम। तो राइट ऑप्शन बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नया नाम है वो क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। अलग अलग जगह पे त्योहारों का अलग अलग नाम भी होता है, तो वही पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है। पोंगल या संक्रांति, दोंगक, कड़न, गोमक। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पोंगल या संक्रांति के नाम से जानते हैं लोग। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या छेमनिक थियम? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब जो जीता था किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, लक्ष्मी, इंदिरा, अप्सरा या गंगोत्री? तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सोर्स क्या है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और मैंने आपको जो हिस्ट्री की सीरीज कराई है और जियोग्राफी की सीरीज कराई है, अगर आप उन दोनों सीरीज को देख लेते हैं तो आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए जीएस में हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड और आपको ना आए। तो एक बार उस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, आपको आई बटन में उसका प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां आपको मिल जाएगा।
जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि सौर ऊर्जा का जो सोर्स है वो है नाभिकीय संलयन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है, यानी किस राज्य में जब बारिश होती है तो भारत सरकार ने सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण कंपलसरी कर दिया है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका हिंदी से रिलेटेड होगा कि 2020 में जो हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो कौन कौन से थे, वो आपको बताए जाएंगे। तो अगर आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन सीरीज मैं आपको करा रही हूँ सभी को देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो बार बार क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं वो रिपीट होते हैं, हर बार नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।